अब सीधे चलते हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत संबोधन दे रहे हैं। और महात्मा गांधी की जो भावना थी वो भी जैन मुनि से प्राप्त करी थी उन्होंने, रायचंद्र जी से। मैं उनके आश्रम में भी गया, गुजरात के अंदर आश्रम में रायचंद्र महाराज थे। वैसे गांधी जी ने सत्य अहिंसा अपरिग्रह जयंती पर वो भावना गांधी जी ने जो प्राप्त करी थी उस जमाने में, उसी को हम लोग बराबर यहाँ शांति अहिंसा विभाग बनाया और उसी ढंग से हम लोग म्यूजियम बना रहे हैं यहाँ पर सेंट्रल पार्क के अंदर। गांधी जी का कोर्स से शुरू करे रहते हैं अंदर, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिससे कि सोशल वर्कर्स पैदा हो, नौजवान पीढ़ी को सही रास्ता दिखे, सामाजिक क्षेत्र में आए, समाज की सेवा करे, ऐसे भाव पैदा हो। तो महाराज जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले वक्त के लिए पूरे प्रदेश के अंदर आपकी जो भावना है उसको हम लोग आत्मसात करके घर घर पहुंचाने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। यही बात कहता हुआ मुझे खुशी है कि मैं अभी आपके यहाँ पर हाजिर हुआ और आपने जो इतना बड़ा बेटा उठाया है कि कहीं तरह प्रारंभ कर रहे हैं। ये लाजे कटाई मुझे बताया कि अहिंसा रथ प्रदेश के अंदर ही प्रदेश के बाहर भी जाएगा। ये संदेश अपना आप में आज देश में जी जरूरत है सबसे ज्यादा। आज देश में सरकार किसी पार्टी की हो, लोकतंत्र में यही हमारी खासियत है कि सरकार बदलती रहती है और पक्ष विपक्ष सब होता है, पर सबसे बड़ी आवश्यकता है संविधान की रक्षा हो, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। और साथ में जो संविधान की मूल भावना भी यही है और आपकी मूल भावना भी यही है कि सत्य के मार्ग पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें, जो भगवान महावीर ने हमें संदेश दिया हुआ है हजारों साल पहले, उसी मार्ग पर सरकार चलना चाहती है। ये मैं विश्वास देना चाहता हूँ आपको, आप जो चलेगा यात्रा सफल हो, को ले जाने वाले जितने हमारे साथी हैं उनको मैं अपनी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि रथ का जो संदेश होगा गांव गांव में, वो मैं समझता हूँ महाराज जी आपके संदेश को हर घर हर गांव वाले आत्मसात करेंगे। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। कर रहे थे।